ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 7 संसदीय क्षेत्रों में हुआ मतदान। ताजा आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से 67% मतदान दर्ज किया गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी के साथ 168 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों पर छाया, पेयजल और मेडिकल किट सहित अनेक सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं। और प्रदेश में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा संसदीय क्षेत्रों में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में 26 महिलाओं सहित 168 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इन संसदीय क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक औसत रूप से लगभग 67% मतदान दर्ज किया गया। ये अनंतिम आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़े आना भी बाकी है। मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक रायपुर संसदीय क्षेत्र में 61%, दुर्ग में लगभग 67%, बिलासपुर में करीब 60%, जांजगीर चांपा में 62%, कोरबा में लगभग 71%, रायगढ़ में करीब 76% और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 74% मतदान दर्ज किया गया। तीसरे चरण के मतदान के लिए 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 25 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 1,072 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 202 कंपनियां तैनात की गई थीं। इसके साथ ही सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं 7,887 केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा इन केंद्रों पर नजर रखी गई। तीसरे चरण में 61,000 से अधिक मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन संसदीय क्षेत्रों में मतदान को लेकर युवा, महिला और बुजुर्ग सहित सभी वर्गों के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही अधिकांश मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ रही और वे तेज धूप तथा गर्मी की परवाह न करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए छाया और पेयजल के अलावा नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई थी। साथ ही मतदाताओं के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियां भी रखी गई थी। वहीं मतदान दलों को मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए थे जिसमें जरूरी दवाएं और ORS घोल शामिल था। तीसरे चरण के मतदान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित आदर्श मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया में सपरिवार मतदान किया। इसी तरह मंत्री रामविचार नेताम ने भी अपने परिवार के साथ बलरामपुर जिले के सनवाल गांव में वोट डाला, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने सक्ती जिले के सारागांव में मतदान किया। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर के धर्मपुरा स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी बिलासपुर में निर्धारित मतदान केंद्रों में अपने परिवारजनों के साथ पहुंचकर वोट डाले। तीसरे चरण में राज्य की 7 सीटों की बात करें तो रायपुर में मुख्य मुकाबला भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय के बीच है। वहीं दुर्ग से भाजपा के विजय बघेल और कांग्रेस के राजेन्द्र साहू, बिलासपुर से भाजपा के तोखन साहू और कांग्रेस के देवेंद्र यादव, जांजगीर चांपा से भाजपा की कमलेश जांगड़े और कांग्रेस के डॉ शिव कुमार डहरिया, कोरबा से भाजपा की सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, रायगढ़ से भाजपा के राधेश्याम राठिया और कांग्रेस की डॉ मेनका देवी सिंह तथा सरगुजा से भाजपा के चिंतामणि महाराज और कांग्रेस की शशि सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में बस्तर में तो वहीं 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में मतदान हुआ था। मतगणना 4 जून को होगी और इसी दिन चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज प्रदेश में हुए तीसरे चरण के मतदान में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी सहभागिता निभाई। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के सेमरा में 99 वर्ष के बुजुर्ग आनंदराम राठौर ने मतदान किया। वहीं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के चेहरापारा वार्ड में 90 वर्षीय कतवारी राम ने मतदान किया। इसी तरह गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के सेखवा में दिव्यांग मतदाता शांतिबाई मांझी ने वोट डाला। इसके अलावा रायगढ़ जिले में दिव्यांग मतदाता तपन चौहान ने मतदान कर दूसरों के लिए मिसाल पेश की। सरगुजा की जिला आईकॉन थर्ड जेंडर तमन्ना जायसवाल ने भी मतदान कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं सरगुजा जिले के भरतपुर स्थित मतदान केंद्र में नवविवाहित जोड़े ने पहली बार मतदान किया। वहीं सानंगर बिलाईगढ़ में बरमकेला विकासखंड के संजय चौहान ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने विवाह की हल्दी रस्म को देवगांव में चुनई मड़वा थीम पर बनाए गए मतदान केंद्र पर पूरा किया। इस मतदान केंद्र को विवाह की थीम पर सजाया गया था। उधर रायगढ़ जिले के कचकोबा और बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बिरहोर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। इस बीच एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के विद्यार्थी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद करते नजर आए। मतदान मित्र के रूप में छात्र छात्राओं ने बुजुर्ग और दिव्यांगों को सहारा देकर उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों में रोचक और विविध नजारे भी देखने को मिले। अंबिकापुर विधानसभा के उदयपुर के मरैया मतदान केंद्र में आदिवासी संस्कृति और गीत संगीत के साथ मतदाताओं का स्वागत किया गया। वहीं मुंगेली विधानसभा के उमरिया गांव के करीब 150 मतदाता करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान करने जमकोर पोलिंग बूथ पहुंचे। कोरिया जिले के शेराडांड मतदान केंद्र में सुबह 9 बजे तक शत प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां कुल 5 मतदाताओं में से 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता हैं, जिसके लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदान केंद्रों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जल संरक्षण, छत्तीसगढ़ संस्कृति सहित विभिन्न थीमों पर इनकी साज सज्जा की गई थी। जशपुर जिले के जमतोल स्थित मतदान केंद्र में वोट डालने जा रहे एक व्यक्ति की अचानक गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि यह व्यक्ति मतदान केंद्र में पहुंचते ही अचानक गिर पड़ा। इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में स्थित जवाहर नगर मतदान केंद्र में मतदान के दौरान मधुमक्खियों के हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों को कुसमी रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने सभी घायलों की स्थिति खतरे से हार बताई है। वहीं कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत हाथी प्रभावित ग्राम भूडू पानी और गोदवारी के मतदाताओं को प्रशासन द्वारा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर मड़ई मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके अलावा हाथी प्रभावित ग्राम खुरंगा पारा में वनकर्मियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्कता के साथ मतदान करने के लिए प्रेरित किया। जशपुर जिले के ग्राम गंजियाडीह स्थित मतदान केंद्र में अचानक सांप निकलने से मतदाताओं में हड़कंप मच गया। इसके बाद कोतबा से सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसकी मदद से सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसके बाद मतदान सुचारू रूप से चलता रहा। श्रोताओं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आज हुए मतदान पर प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा इस विशेष कार्यक्रम को आज रात 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवेश किया। इस दौरान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका ओडिशा से राजस्थान तक बनी हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम के मिजाज में आए बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। कई स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 7 संसदीय क्षेत्रों में हुआ मतदान। ताजा आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से 67% मतदान दर्ज किया गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी के साथ 168 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों पर छाया, पेयजल और मेडिकल किट सहित अनेक सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं। और प्रदेश में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।